Hello students, so today we are going to learn about a first application of Gauss theorem. So Gauss theorem ki sabse pehli application hai electric field due to infinitely charged rod. Ek infinitely charged rod consider kar lete hain. So we are finding electric field due to infinitely charged रॉड. एक रॉड ले लिए, या आप एक वायर को कंसीडर कर सकते हो जिस पर बहुत सारा इनफाइनाइट चार्ज है. ओके अगर बहुत बड़ी वायर है तो वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगी. हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं. रॉड विल फॉर्म अ सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. ठीक है, रोलर ब्रश होता है उस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन होगी. सेंटर में रोलर ब्रश की एक रॉड होती है और उसके साइड्स में ब्रिसल्स निकले होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाती है पूरी. सो इसी तरीके का सिलेंड्रिकल फॉर्म यहाँ पे भी बनेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी अगर, तो जो कर्व्ड एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिलेंड्रिकल कर्व एरिया, उसका नॉर्मल तो इसी तरफ लिया जाएगा. बट अगर हम इस साइड के नॉर्मल की बात करें तो वो लेफ्ट की साइड होगा, इधर का नॉर्मल राइट की साइड होगा. ओके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ऑब्वियसली इन तीनों साइड्स के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी पड़ेगी. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हमें तीनों साइड्स को कंसीडर करके चलना पड़ेगा. ओके सो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाले साइड के लिए लेके चलते हैं. ओके तो फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स ऑन लेफ्ट सरफेस, जो लेफ्ट वाला सरफेस है. ठीक है, अगर मैं गॉस थ्योरम का यूज करता हूं, यूजिंग गॉस थ्योरम, सो गॉस थ्योरम के हिसाब से लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस, इसको रीजन वन बोल रहा हूं, रीजन वन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम. ठीक है, कॉस कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होगी या इस तरफ जा रही होगी, बट नॉर्मल इस तरफ है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. सो ई डॉट डी एस कॉस 90 फॉर रीजन वन. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर रीजन टू भी इसी तरीके से होनी चाहिए, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा. क्यों? नॉर्मल इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 हमारे पास 0 हो जाता है. तो लेफ्ट वाला रीजन और रीजन टू, रीजन वन और रीजन टू, इन दोनों रीजन्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, जीरो. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कर्व पार्ट, अब हम कर्व पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे. रीजन थ्री, इसे रीजन टू बोला है क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, तो मैं इस पूरी की इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कंसीडर कर सकता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लेफ्ट सरफेस एंड राइट सरफेस. बट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कर्व पार्ट विच वी आर कंसीडरिंग रीजन थ्री, इसको हम रीजन थ्री कंसीडर करते हैं. ये पूरा रीजन थ्री है. नाउ वी आर कंसीडरिंग रीजन थ्री फॉर दिस, देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुई है. लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी सरफेस ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, नॉर्मल भी इधर ही है, तो थीटा कितना होना चाहिए इस केस में, 0 डिग्री. ई डॉट डी एस कॉस 0 आ जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ये गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा है हमने. बट एक बहुत बड़ी रॉड है, बहुत सारा चार्ज है, तो हम उसके लिए क्या कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर चार्ज पर यूनिट लेंथ. व्हाट वी विल कंसीडर, वी विल कंसीडर चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू बाय एल ले लेंगे उसे हम, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसे हम क्या लिखेंगे, लैम्डा के बराबर लिखेंगे. लैम्डा यहां पर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ. ओके चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा है, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. ओके लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. ओके
लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो क्यू की जगह व्हाट वी कैन पुट, क्यू की जगह पर व्हाट वी कैन पुट, वी कैन पुट लैम्डा एल। राइट नाउ मैं फिगर को हटा देता हूं, ई डॉट डी एस कॉस 01 हो जाएगा, क्यू की जगह पुट कर दिया मैंने लैम्डा एल, बिकॉज क्यू बाय एल की वैल्यू हमने लैम्डा ली थी, तो जब मैं एल को उधर लेके जाऊंगा तो क्यू की जगह पर लैम्डा एल पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन वन, बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, देन ई अंदर ही रहेगा, डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस इज द सरफेस एरिया, डी एस इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुई थी, जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। सो डी एस इज सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2πRL, 2πRL विल बी द सिलेंड्रिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस, देन लैम्डा एल के बराबर पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2πεr। ओके, इज इट क्लियर? जब मैं इसको क्लियर करूंगा, ई डॉट डी एस था, ये 2πr की वैल्यू उधर चली जाएगी 2πr में, देन व्हाट वी विल गेट, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πεr। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग कंडक्टर। ओके, थैंक यू।